फेसबुक पर अपने आशिक के लिए पाकिस्तान जाने वाली अंजू वापस लौट आई है। अंजू ने पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला नाम के एक शख्स से निकाह कर लिया था। नसरुल्ला से निकाह करने के लिए उसने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया। अंजू जब पाकिस्तान गई थी तो उनके भारतीय पति अरविंद ने केस दर्ज कराया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद अंजू को माफ करने और उनके साथ सुलह के लिए तैयार हैं। अरविंद की ओर से अब आगे का फैसला उनके बच्चों पर छोड़ दिया गया है। राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू जुलाई में वीजा लेकर पाकिस्तान चली गई थी। लगभग 4 महीने से ज्यादा रहने के बाद अंजू अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए अब भारत में पहुंच चुकी हैं। लेकिन अंजू के पाकिस्तान जाने और निकाह करने के बाद उनके पति अरविंद ने केस दर्ज कराया था। अंजू के खिलाफ धारा 366, 494, धारा 500, 506 और आईटी एक्ट की धारा 66 में पुलिस केस दर्ज किया गया था। अरविंद ने अपनी शिकायत में अंजू पर धमकी और धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बिना तलाक लिए अंजू ने दूसरी शादी कर ली और वो पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दे रही हैं। अरविंद फिलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में अरविंद ने कहा कि अंजू ने वापस आने के बाद उन्हें एक बार फोन किया है। बातचीत को लेकर उन्होंने कहा, अंजू ने सिर्फ इतना कहा कि मैं आ गई हूँ। आईबी वालों ने जो छानबीन की थी उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे छोड़ दिया। अरविंद से जब यह पूछा गया कि क्या उन्हें पता है कि अंजू कहाँ है, इस पर उन्होंने कोई जानकारी न होने की बात कही। अरविंद से यह भी पूछा गया कि भिवाड़ी थाने में दर्ज किए गए केस में वो क्या एक्शन लेंगे। इस पर उनका कहना था, मैंने शिकायत दी थी, अब उस पर क्या करना है ये एजेंसियां और पुलिस तय करेंगी। वहीं जब अरविंद से पूछा गया कि क्या वह अंजू से बातचीत कर समझौता करेंगे, इस पर उन्होंने कहा, हम बातचीत करेंगे, बच्चों के हिसाब से चलेंगे। अगर बच्चे चाहेंगे तो एप्लीकेशन को रद्द कराया जा सकता है, सब कुछ बच्चों पर निर्भर करता है। अरविंद ने अंजू को अपनाने को लेकर कहा, अभी अपनाने की कोई बात नहीं है, सारी राय बच्चों से ली जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा, बच्चे कहेंगे तो अपना लिया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।